नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर जनपद की प्रख्यात ब्लड डोनेशन व सामाजिक संस्था द ब्लड मैन ने SCPM हॉस्पिटल गोंडा में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें बसपा नेता मसूद आलम खां द्वारा खुद रक्तदान दिया और उनकी अगुवाई में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया और श्री खां ने नौजवानों से रक्तदान करने का आह्वान किया और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। एक यूनिट ब्लड किसी की जान को बचा सकता है। मसूद खां द ब्लड मैन संस्था के सेवा भाव को सराहा, उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि इस संस्था ने अब तक हजारों यूनिट ब्लड बीते वर्षों में लोगों को देकर उनका जान बचाने का काम किया है, जो बहुत बड़ा पुण्य व शवाब है। मसूद आलम खान, सुफियान खान, जाहिद अली गिर्द, गोंडा चांद खान, सैफ खान, सागर अमन, आसिफ लारी सहित दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर ओ.एन. पांडे, सुरेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट ने लोगों से रक्तदान की अपील की। इस मौके पर लतीफुरहमान खान, शाहवेज रजा, शादाब हनाफी, आकिब शान, अफ्ताब तन्हा, वबी खान, मुजम्मिल अजरी, काशिफ सैयद, असद खान, नसर खान, अयान सिद्दीकी, फैसल अहमद, आसिफ अफरीदी, फैजान सिद्दीकी, आदिल खान, सुहेल अफरीदी, अनस मेवतियान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हमारे जनपद और शहर की मशहूर सामाजिक संस्था द ब्लड मैन, जो की कई वर्षों से जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराती रहती है, उसने आज इस अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर SCPM हॉस्पिटल में इस शिविर लगाया है। मैंने भी आज इस अवसर पर अपने ब्लड को डोनेट किया है। मैं तमाम देशवासियों से, इस जनपदवासियों से, शहरवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर भी और अन्य दिनों में भी आप अपने ब्लड को डोनेट करें। आपकी एक यूनिट का खून किसी की जिंदगी को बचाने के काम आ सकता है। आप इस पे अफसोस ना करें, मदद करें। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है। आप जितना ब्लड देंगे, 3-4 दिनों, 1 हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में ब्लड आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं खासतौर पर आज अपने नौजवान साथियों, जो द ब्लड मैन ग्रुप गोंडा के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हजारों लोगों की इन लोगों ने ब्लड दे करके उनकी जान बचाने का काम किया है, हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और इन लोगों ने आज ये भी जो पहल की है, इसका भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।